Hey, welcome channel to my guys. तो आज हम करने वाले हैं प्लस टू का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. और ये हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, मतलब इसमें कोई भी एडिशनल टॉपिक नहीं है, कोई भी डिलीटेड टॉपिक नहीं है, नीट के सिलेबस में भी और बोर्ड्स के सिलेबस में भी. आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन मैं आपको बता दूं, आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें ऐसी भी एक्सप्लेन करने वाली हूं जो कि आपको स्लाइड में कहीं पर नहीं मिलेगी, ठीक है. तो आप जब पेन और नोटबुक लेकर बैठोगे तो आपका फोकस भी बना रहेगा. तो सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं. उन प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं या फिर एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स में ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं. तो मेल पार्ट में जो मेल गैमेट बनता है और फीमेल पार्ट में जो फीमेल गैमेट बनता है, वो जब फ्यूज करता है और जायगॉट बनता है, फिर धीरे धीरे जायगॉट मैच्योर होकर सीड बनाता है, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है. और फ्लावरिंग प्लांट्स में जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ये फ्लावर्स में होता है. तो अब हम इतना तो समझ गए कि जो कुछ भी खिचड़ी पक रही है वो फ्लावर्स के बीच में ही पक रही है, ठीक है. तो अब हमें जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर समझे फ्लावर्स का. सभी फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं और उन्हीं के बारे में अब हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले जब हम फ्लावर को प्लक करते हैं, तो प्लक करने के बाद जिस स्टिक से हम पकड़ते हैं ना, उसे हम स्टॉक बोलते हैं. आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में. ओके, अब स्टिक के ऊपर जाइए, जो स्वेलन सा पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम थैलेमस बोलते हैं. अब थैलेमस के ऊपर जाइए तो एक ग्रीन लीफ की अरेंजमेंट आपको दिखेगी. ये फ्लावर की फर्स्ट वर्ल्ड होती है. वर्ल्ड मतलब होता है कोई भी अरेंजमेंट, ठीक है, जो एक लेयर में हूं. तो ये फ्लावर की पहली आउटर मोस्ट वर्ल्ड होती है और ये फ्लावर्स को बड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है. और ये यूजुअली ग्रीन कलर की होती है. सेपल के भी दो टाइप्स होते हैं, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस. गैमोसेपलस जो होती है वो फ्यूज्ड होती है, जैसे कि आप बात कर लीजिए हिबिस्कस की. और पॉलीसेपलस जो होती है वो अलग अलग होती है. अगर हम उन्हें अलग करेंगे तो इजिली अलग हो जाएंगी, जैसे कि रोज की. वो सेपल्स होती है, वो एक तो होती नहीं है, सेपल ग्रुप ऑफ सेपल होता है. तो ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलेक्स बोलते हैं. उसके बाद सेपल के ऊपर जाइए तो आपको मिलेगा बहुत ही कलरफुल ब्राइटली कलर्ड पार्ट फ्लावर्स का, ठीक है. उसे हम पेटल बोलते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल को हम कोरोला बोलते हैं. जो कोरोला या फिर पेटल्स होती हैं वो सेकेंड वर्ल्ड होती हैं फ्लावर की, सेकेंड अरेंजमेंट होती है लेयर्स में. पेटल्स भी दो टाइप्स की होती है, गैमो पेटलस और पॉली पेटलस. गैमो नाम ही से पता चल रहा है कि जो पेटल फ्यूज होती है, जैसे कि कनेर, येलो योलेंडर, कनेर का फ्लावर आपने देखा हो, उनकी पेटल्स को आप अलग नहीं कर सकते. जब आप प्लक करोगे तो वो पूरी की पूरी एक साथ निकल जाएगी, आप मॉर्निंग ग्लोरी जान सकते हो. जो दूसरा टाइप है वो है पॉली पेटलस, जिनकी पेटल्स अलग अलग होती है, हम इजिली अलग कर सकते हैं, जैसे कि रोज, हिबिस्कस, राइट. उसके बाद आता है स्टमेन. स्टमेन जो होता है वो थर्ड वर्ल्ड होती है फ्लावर की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का होता है स्टमेन. ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम एंड्रोशियम बोलते हैं. स्टेमेन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. जो दानेदार होता है येलो येलो कलर का, ठीक है, उसे हम एंथर बोलते हैं. और फिलामेंट एक डंडी होती है, स्टिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है. कार्पेल, कार्पेल जब स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. ग्रुप ऑफ कार्पेल को हम गायनोशियम बोलते हैं और कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. इनके फंक्शन हम आगे देखने वाले हैं. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो, उसमें तीन इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और फर्टिलाइजेशन में ही, उसी प्रोसेस में ही जायगॉट बनता है. तो इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो इवेंट्स, जो चीजें फर्टिलाइजेशन से पहले होती है प्लांट्स में. तो दो चीजें होती हैं, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना. गैमेट बन कहां पर रहा है? मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेगा, फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बनेगा. जो मेल गैमेट होता है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस की हेल्प से बनता है और फीमेल गैमेट मेगा स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से बनता है. गैमेट ट्रांसफर होगा, मतलब कि पॉलन ग्रेन हवा से या वाटर से या फिर कोई भी पॉलिनेटर्स की हेल्प से जाएगा फ्लावर के स्टिग्मा पर और वहां पर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन होगा. खैर, ये तो हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, लेकिन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो स्टेप होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर. तो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
मतलब कि मेल गैमीट का बनना, ठीक है, पॉलन ग्रेन का बनना, मेल गैमीट फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन होता है। अब हमें जरूरी है कि जो मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट क्या है, स्टेमेन, एंड्रोशियम जिसे हम बोलते हैं, उसको हम डिटेल से पढ़ लें। तो हमें पता है कि स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट होता है उसे हम फिलामेंट बोलते हैं, और जो येलो कलर का पार्ट होता है उसे हम एंथर बोलते हैं। एंथर बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब अगर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊं तो जैसे ये वाला मैग्नेट आता है ना, उस टाइप का, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बाइलोब कहते हैं। और अगर हम एक मैग्नेट को अलग रख दे तो वो एक मैग्नेट क्या हो जाएगा, एक लोब हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि एंथर बाइलोब होते हैं। अब उन दोनों लोब के अंदर दो दो थीका होते हैं, मतलब एक लोब के अंदर दो थीका है, थीका कुछ इस टाइप से होता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एंथर के अंदर दो लोब और एक लोब के अंदर दो थीका, मतलब एंथर के अंदर टोटल चार थीका होता है। और थीका के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड सिंगुलर है, प्लूरल में हम माइक्रोस्पोरेंजिया यूज करते हैं। फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं एक एंथर के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ है, जहां पर पॉलन ग्रेन बनता है। माइक्रोस्पोरेंजिया थोड़ा सा डेवलप होती हैं और डेवलप होने के बाद क्या बनाती हैं, पॉलन सैक बनाती हैं। एंथर के पीछे एक छोटा सा पार्ट होता है चारों थीका के बीच में, ठीक है, लोब्स के बीच में, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो स्टराइल होता है, उसका गैमेटोजेनेसिस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसे सिंगुलर में माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। तो इसके टोटल चार लेयर होते हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी इंडोथेशियम, तीसरी मिडल लेयर और चौथी टैक्टम। ऊपर की तीन लेयर मतलब एपिडर्मिस, इंडोथेशियम और मिडल लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना माइक्रोस्पोरेंजिया को, ठीक है। और टैप्टम का काम होता है कि जो पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट देना। जो टैप्टम के सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ओके, जब एंथर बहुत ज्यादा यंग होता है, मतलब उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट नहीं हुई होती है, तब इसके अंदर एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल होते हैं जिसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब वो एक सेल तो होता नहीं है जो हम स्पोरोजेनस सेल बोले, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स से ही पॉलन ग्रेन बनता है। ओके, स्पोर के फॉर्मेशन को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पोरोजेनस सेल, मतलब जो अभी हमने बात की थी, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है, के सेल डिफरेंशिएट करते हैं और मियोसाइट फॉर्म करते हैं, और ये जो मियोसाइट्स है वो मियोसिस डिवीजन करके फोर हैप्लोइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर जो चार सेल है वो अलग अलग होते हैं और सभी पॉलन ग्रेन बनाते हैं। ओके, मतलब माइक्रोस्पोर डिसोसिएट करके पॉलन ग्रेन बनाते हैं, लेकिन कैसे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो क्या माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन होता है? नहीं, माइक्रोस्पोर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं तब वो पॉलन ग्रेन बनते हैं, वही चेंजेस हम अब देखने वाले हैं। तो पहले तो माइक्रोस्पोर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, फिर उस माइक्रोस्पोर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल आता है, और फिर वो माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो ईसेंट्रिक पोजीशन पर आ जाता है, मतलब कि माइक्रोस्पोर की सेंटर से थोड़ा अलग हो जाता है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस डिवीजन करके दो सेल और फॉर्म कर लेता है, और वो सेल अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि एक ही में होते हैं, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल और एक छोटा जनरेटिव सेल। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, सेल विद इन अ सेल, ठीक, मतलब कि सेल के अंदर एक सेल है। तो कुछ प्लांट्स तो टू सेल्ड स्टेज में ही पॉलन को शेड कर देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो अभी भी डिवाइड करते हैं, मतलब जनरेटिव सेल दोबारा से माइटोसिस करके दो सेल और प्रोड्यूस करते हैं, तो थ्री सेल स्टेज बन जाती है। प्लांट्स चाहे अभी शेड करें टू सेल स्टेज में या थ्री सेल स्टेज में, फर्टिलाइजेशन के वक्त पॉलन खुद ब खुद थ्री सेल स्टेज हो जाता है, वो कैसे आगे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में। मतलब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन तो गया बहुत ही अच्छी तरीके से, लेकिन मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना छोटा पॉलन ग्रेन हवा से, पानी से, इंसेक्ट से लड़कर स्टिग्मा तक पहुंच कैसे जाता है, और फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाता है, और पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है? तो यही सब हम बात करने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो छोटा सा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, आसपास आप जैसे देख सकते हो अलग अलग फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन है, और इसके पास दो लेयर्स होती है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये स्पोरो पॉलिनिन से बनी होती है जो कि हाईली रेजिस्टेंट है, तभी ये हवा पानी इंसेक्ट से लड़कर स्टिग्मा तक पहुंच भी जाता है और इसको कुछ होता भी नहीं है, ठीक है।
और जो दूसरी लेयर होती है इनर मोस्ट लेयर, वो इंटाइन होती है, ये थिन होती है और ये सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो मेरे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्पोरोपोलिनिन इतना रेजिस्टेंट है कि सब कुछ से लड़ सकता है, हवा, पानी, इंसेक्ट और भी बहुत कुछ। तो फिर ये स्टिग्मा के अंदर कैसे जाता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए? तो यहाँ पर आपका आंसर है, पॉलन ग्रेन में, जैसे अभी इस वक्त आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो कुछ कुछ जगहों पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होती। इन्हीं जगहों को हम जर्म पोर बोलते हैं और जर्म पोर्स की हेल्प से ही स्टिग्मा के अंदर पॉलन ग्रेन जाता है और एग को फर्टिलाइज करता है। तो अभी हमें पॉलन ग्रेन के बारे में एक चीज और पढ़नी है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल साइज में स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप का होता है, साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। वहीं अगर हम वेजिटेटिव सेल के बारे में बात करें तो ये साइज में बड़ा होता है और इसके अंदर फूड भी काफी ज्यादा होता है, इरेगुलर शेप का होता है और यही पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ करवाता है। कौन? वेजिटेटिव सेल, जिसकी वजह से हम इसे ट्यूब सेल भी बोलते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल और कार्पल के नाम से जानते हैं। पिस्टिल और कार्पल के ग्रुप को हम गायनोशियम बोलते हैं। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग सरफेस होता है, ओवरी जो होता है वो पिस्टिल का बेसल पार्ट होता है और इसके अंदर ओव्यूल होती है और ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल बोलते हैं। अब जो बीच का पार्ट है स्टाइल, ये इसी काम में आता है कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल। ओव्यूल के पार्ट को और उनके फंक्शन को अच्छे से जान जाते हैं। ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ओके, अब ओव्यूल का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम चलाजा बोलते हैं और इस एंड को हम चलाजल एंड बोलते हैं। ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ठीक है। उसके बाद आता है इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट अब वो स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि इसमें एक इंटेग्यूमेंट होगा कि दो इंटेग्यूमेंट होंगे या फिर दो से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो फिर ये एक प्रोटेक्टिव इन्वेलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। ओके, अब जो खूब ढेर सारे आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं न्यूसेलस और ये इंटेग्यूमेंट के अंदर होते हैं, फूड इसमें बहुत ज्यादा स्टोर होता है। न्यूसेलस के अंदर आगे हमारा होता है एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर ही हमारा एक्सेल होता है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन इतनी दूर का सफर करके आता है। आपको डंडी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसकी वजह से ये ओव्यूल पूरा खड़ा है, इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। यहाँ पे लिखना मैं भूल गई हूँ, इसी वजह से मैंने कहा था नोटबुक लेकर आपको बैठना पड़ेगा। और ये जो जंक्शन है बिटवीन फ्यूनिकल और ओव्यूल, इसे हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे थोड़ी सी ओपनिंग दिख रही है इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं और इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस, अब हम फाइनली इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट हमें पता है एम्ब्रियो सैक होता है और मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखो ये शुरुआत कहाँ से होती है, मेगा स्पोरेंजियम से होती है। ओव्यूल के सेल डिफरेंशिएट करके एक मेगा स्पोर मदर सेल फॉर्म करते हैं। अब वो मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके चार हैप्लॉइड मेगा स्पोर फॉर्म कर लेता है। देखो मियोसिस, माइटोटिक, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड का मीनिंग आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप कमेंट कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बताने जाऊंगी तो। उसके बाद चार हैप्लॉइड मेगा स्पोर जब फॉर्म होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक मेगा स्पोर काम का होता है, बाकी तीन खत्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाता है। इसी एक मेगा स्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। जब एक मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो, फॉर्मेशन हो, उस डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अब क्या क्या चेंजेस आते हैं जब मेगा स्पोर से डायरेक्ट क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक। पहले तो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, फिर चार न्यूक्लियस आ जाते हैं, फिर आठ न्यूक्लियस आ जाते हैं, फिर सेल वॉल फॉर्म हो जाती है और फिर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेता है। तीन सेल ऊपर चले जाते हैं, तीन सेल नीचे चले आते हैं और बीच में एक सेल होता है जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ये सेल तो एक होता है लेकिन इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट टाइप का होता है। तीन सेल्स को हम एंटीपोडल्स बोलते हैं और ये एंटीपोडल्स चलाजल एंड पे होते हैं। हाँ, जो नीचे ये तीन हैप्लॉइड सेल होते हैं वो दो तो साइनर्जिड्स होते हैं और उनमें से जो एक बीच में होता है वो एग सेल होता है। इसी को फर्टिलाइज करने के लिए पूरी दुनिया से लड़कर पॉलन ग्रेन आता है इसी के पास। साइनर्जिड और एग सेल को हम मिलाकर ही एग एपरेटस बोलते हैं। एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड में होता है ओव्यूल के, और
और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, काम होता है जब पॉलन ग्रेन आता है तो उसको खींचना, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। तो इसकी इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर पहले से ही थोड़ा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो फिंगर से हम क्या करते हैं, उठाते हैं कोई भी चीज, रखते हैं, ठीक है, ले जाते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन को अपनी तरफ लेकर आता है, कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो अब तो हमारा पॉलन ग्रेन भी रेडी है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल भी है जो कि पॉलन ग्रेन को फर्टिलाइज करना है, लेकिन ये दोनों मिलेंगे कैसे, ये तो पैर भी नहीं है कि हम ह्यूमंस की तरह जाएं और आपस में मिल जाएं, फ्यूज करके जायगोट बनाते। आंसर है पॉलिनेशन। ये दोनों ही पॉलन और एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है वो दोनों आपस में पॉलिनेशन के थ्रू मिलेंगे। तो हाँ, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक, ठीक है, उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। और हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, कोई इंसेक्ट कर सकता है पॉलिनेशन। और ये जो पॉलिनेशन है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लांट रिप्रोडक्शन में, और पॉलिनेशन जो है प्लांट की वैरायटी भी बनाता है। जैसे अगर एक व्हाइट हिबिस्कस का पॉलन रेड हिबिस्कस पर जा रहा है तो उसकी जो सीड्स बनेंगी ना, और उस सीड्स से जो प्लांट बनेंगे, उस प्लांट पे जो फ्लावर्स आएंगे वो कुछ इस टाइप का होगा कि उसमें रेड कलर भी होगा और व्हाइट कलर भी होगा। तो एक नई वैरायटी हिबिस्कस की देखने को मिलेगी। तो अब कुछ टाइप्स के पॉलिनेशन भी होते हैं, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, लिथोनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम स्टिग्मा पर जा रहा है तो फिर वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ऑटोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। और जब एक ही प्लांट होता है और उस एक प्लांट में दो फ्लावर लगे हुए हैं, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उठता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, मतलब कि प्लांट एक ही है लेकिन दूसरे दूसरे फ्लावर के बीच में क्रॉस हो रहा है। ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर जेनेटिकली बात करें तो फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, क्योंकि ये एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसका एक और नाम है ज़ीनोगैमी। लेकिन अब कौन से प्लांट कौन सा पॉलिनेशन करते हैं ये तो हमें पता नहीं है। तो देखो, कुछ प्लांट्स के पास तीनों ही ऑप्शन होते हैं कि वो ऑटोगैमी भी कर सकते हैं, गिटेनोगैमी भी कर सकते हैं और ज़ीनोगैमी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ के पास सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन का ही ऑप्शन रहता है। तो ये जो चीज है ना कि कौन सा फ्लावर कौन सा पॉलिनेशन करेगा, ये चीज डिपेंड करता है कि वो फ्लावर कौन सी टाइप का है। अगर उसकी एंथर और स्टिग्मा हमें दिख पा रहे हैं, जैसे कि हिबिस्कस की हमें दिखती है, ठीक है, एंथर भी दिखता है और स्टिग्मा भी दिखता है, तो उसे कैस्मोगैमस फ्लावर हम बोलेंगे। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाय पॉलिनेटिंग एजेंट्स। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनके स्टिग्मा और एंथर क्लोज्ड होते हैं। फ्लावर सभी के घर में होता है, मोस्टली विंका। विंका के अंदर आप जब पेटल्स को हटाओगे तब इसके अंदर आपको दिखेगा कि स्टिग्मा और एंथर प्रेजेंट है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर मोस्टली करते हैं। देखो, तो जो एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलन को कैरी करके स्टिग्मा पर लेकर जाते हैं, उन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। और ये लिविंग एजेंट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग एजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि बायोटिक एजेंट्स में आ जाता है इंसेक्ट, और एबायोटिक एजेंट्स में विंड, वाटर और भी बहुत कुछ। देखो, जो लिविंग एजेंट से पॉलिनेशन होता है उसे हम ज़ू फ्लाई बोलते हैं। ज़ू मतलब जहां पर एनिमल्स रहते हैं, एनिमल से रिलेटेड कुछ लग रहा है ना। विंड से अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे एनिमोफिली बोलेंगे, वाटर से होगा तो हाइड्रोफिली बोलेंगे, बर्ड से होगा तो ऑर्थिनोफिली बोलेंगे, और अगर इंसेक्ट से होगा तो इंटोमोफिली बोलेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कुछ ऐसी चीजों का प्लांट्स खुद ही यूज करते हैं। कौन से प्लांट ये टेक्निक आजमाते हैं, ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स आजमाते हैं ताकि उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, वो क्रॉस पॉलिनेशन करे। और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी क्लोज होते ही हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा। तो इसमें पहला ये है कि जब पॉलन मैच्योर हो जाता है, ठीक है, कि वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, लेकिन स्टिग्मा उसी फ्लावर का मैच्योर नहीं होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है पॉलन ग्रेन को। दूसरा है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, मतलब कि फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखा था कि सिर्फ दूसरे स्पीशीज के पॉलन को ही स्टिग्मा रिजेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेल्फ इनकैपेबिलिटी, ओके। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है, जैसे कि पपाया। तो जिन प्लांट्स में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फिर चाहे एक मेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक ही प्रेजेंट होगा, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, जैसे कि पपाया हमने बात की। और जिनमें दोनों प्रेजेंट होता है, जैसे कि हिबिस्कस में मेल भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, इन फ्लावर्स को, इन प्लांट्स को हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इमेजिन,
अगर एक हिबिस्कस का पॉलन उठकर रोज के स्टिग्मा पर चला गया, ठीक है, तो अब क्या करेगा? रोज उसको एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखो, पॉलन तब तक पिस्टिल के अंदर नहीं जा सकता है जब तक उनके अंदर केमिकल इंट्रैक्शन ना हो, तो वो केमिकल इंट्रैक्शन पिस्टिल करेगा ही नहीं अगर वो उसके स्पीशीज का पॉलन नहीं होगा तो, ठीक है, और अगर होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर वो पॉलन किसी और स्पीशीज का है तो फिर पिस्टिल प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो पिस्टिल पॉलन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। कहाँ से ग्रोथ होती है? जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होता है, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। उसके बाद जो मेल गैमिट होता है पॉलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल में जाता है, और ये 3 स्टेजेस पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डिजायर्ड फ्लावर के स्टिग्मा पर डस्ट करते हैं, और उसी से पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और हमारी डिजायर्ड वैरायटी बनती है फ्लावर्स की और प्लांट्स की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है इमेस्कुलेशन। हमें जिस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन डस्ट करने हैं, मतलब कि डालना है, उसके एंथर को हम रिमूव कर देंगे ताकि उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। उसके बाद उसके ऊपर हम बैग लगा देंगे, ट्रांसपेरेंट बैग, ताकि कोई भी बाहर का पॉलन ग्रेन आकर एग को ना फर्टिलाइज कर सके। फिर उसके बाद हम अपने दूसरे प्लांट की ओर जाएंगे और वहां से अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करकर एंड देन जिस फ्लावर को हमने बैग से कवर किया था उसकी कवरिंग हटाएंगे और पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देंगे उसके स्टिग्मा पर, और दोबारा से कवर कर देंगे बैग से, और फिर धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उससे जो सीड्स बनेंगी, और फिर बाद में उस सीड से प्लांट प्लांट पर जो फ्लावर आएंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे कि अगर आपने मान लो रेड हिबिस्कस लिया था और वाइट हिबिस्कस लिया था तो उसका थोड़ा बहुत शेड होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये रोज में भी हो सकता है, और जितने भी प्लांट्स हैं जिसमें सीड्स आती हैं वो सभी में ये टेक्निक हो सकती है। पॉलिनेशन के टॉपिक तक हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स खत्म हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम कुछ फ्लावर्स के टाइप्स पढ़ लिए, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन पढ़ लिया, अब हम देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। देखो, इतना हमें पता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तब जायगॉट फॉर्म होता है और उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, राइट। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसी वजह से हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन 1898 में एसडी नवास्टीन ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम प्लांट्स में किया था। ओके, देखो, हमने पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन तक पढ़ लिया था कि पॉलन को स्टिग्मा ने एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई। पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कहाँ से हुई? जर्म पोर से हुई, और वेजिटेटिव सेल ने की। ये भी हम वेजिटेटिव सेल में पढ़ के आए हैं कि पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन वेजिटेटिव सेल करता है। अब पॉलन ट्यूब में क्या करेगा? मेल गैमिट डिवाइड कर जाएगा और वो एक मेल गैमिट 2 मेल गैमिट बन जाएगा। उन 2 मेल गैमिट से 1 मेल गैमिट आएगा और एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। ये तो हुई ट्रू फ्यूजन, इसको हम सिंगैमी बोलते हैं। ये एक फर्टिलाइजेशन हो गया एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और जो दूसरा मेल गैमिट है वो आएगा सेंटर में एम्ब्रियो सैक के, और जो पोलर न्यूक्लियाई था ना जिसमें 2 न्यूक्लियस थे लेकिन सेल वो एक ही था, उसको फर्टिलाइज कर देगा। तो ये ट्रिपल फ्यूजन होता है, मतलब इसमें 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और जो इससे चीज़ बनती है वो बनती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, जो कि इसका मेन काम यही होता है कि वो जायगोट को अच्छे से नरिशमेंट प्रोवाइड करे। तीसरी चीज पे हम आ गए हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कौन कौन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं? जो हमारा जायगोट बना था वो एम्ब्रियो बनेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। ओवरी से फ्रूट बनेगी और ओव्यूल से सीड बनेगा। यही है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही होते हैं। तो अब हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देख लेते हैं फ्रॉम पीईसी। रिपीटेड डिवीजन किए जाता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू फॉर्म होता है, जो कि इसका मेन काम यही होता है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बहुत ही कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है, ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन हमें ये पढ़ना है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जब बार 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 रिपीटेड डिवीजन करे जा रही है, ठीक है, उसे हम फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बोलेंगे। लेकिन जब वो सेल वॉल फॉर्म कर लेती है तो इंडोस्पर्म सेलुलर इंडोस्पर्म बन जाता है। जैसे कि अगर हम टेंडर कोकोनट की बात करें तो जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर, ये क्या होता है? ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। वहीं पर अगर हम व्हाइट कर्नल्स की बात करें तो ये सेलुलर इंडोस्पर्म होती है, क्योंकि इनके बीच में सेल वॉल फॉर्म हो गई। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में कोई भी सेल वॉल फॉर्म नहीं होती है, ये डिवाइड पर डिवाइड ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाए जाते हैं, और वहीं सेलुलर इंडोस्पर्म में सेल वॉल फॉर्म हो जाती है।
इंडोस्पर्म के बेसिस पे दो टाइप की सीड्स होती हैं, इंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स। इंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होती हैं जिनमें इंडोस्पर्म बचा होता है, जैसे कि वीट और राइस। इसी वजह से इनके अंदर स्टार्च बहुत होता है, क्योंकि इंडोस्पर्म में भी बहुत ज्यादा स्टार्च होता है ताकि वो इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इंडोस्पर्मिक सीड्स को एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहा जाता है और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है, और इनके अंदर इंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे कि पी बीन। तो अब हम इम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने वाले हैं। इम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोजिनी भी बोलते हैं, और ये जाइगोट खुद से डिवाइड डिवाइड करते हुए डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे होता है। इसका जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, और जो जाइगोट का डेवलपमेंट है ये हमेशा बाद में होता है। पहले किसका डेवलपमेंट होता है? पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। पहले हम अपनी खाने की तैयारी कर लेंगे तभी तो हम बड़े होंगे, ठीक है, ये मानना है जाइगोट का। अब पहले तो जाइगोट होता है, उसके बाद डिवाइड कर करके ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हर्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। डाइकॉट का एम्ब्रियो, डाइकॉट वो सीड्स होती हैं जिनके हम दो पार्ट इजिली से कर सकते हैं, जैसे कि पीज ले लीजिए, ग्राम ले लीजिए, ठीक है, और ग्रास, राइज, ये सब मोनोकॉट होते हैं जो कि बगल में है। तो जो प्लीम्यूल होता है आप देख रहे हो, इसकी वजह से पूरा एम्ब्रियोनिक शूट होता है, मतलब जितनी भी आगे चल के पत्तियां निकलेगी ना, ये प्लीम्यूल की वजह से होता है, ठीक है। और इपिकोटाइल क्या होता है? इपिकोटाइल के ऊपर ही प्लीम्यूल होता है, ओके। और हाइपोकोटाइल के नीचे रेडिकल होता है। रेडिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेडिकल रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के लिए। रूट कैप क्या होती है? एक कवरिंग होती है रूट टिप के लिए, ताकि उसे प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। कोटलेडंस क्या होता है? ये सीड लीव्स होती है, इनके अंदर फूड स्टोर होता है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है रेडिकल और प्लीम्यूल को। स्क्यूटुलम, अब हम मोनोकॉट का देख लेते हैं। तो स्क्यूटुलम जो आप देख रहे हैं, ये हम कोटलेडन को ही बोलते हैं, लेकिन मोनोकॉट के कोटलेडन को हम स्क्यूटुलम बोलते हैं, और ये क्लियोप्टाइल हम प्लीम्यूल को बोलते हैं, लेकिन मोनोकॉट के प्लीम्यूल को हम क्लियोप्टाइल बोलते हैं, ओके। क्लियोप्टाइल प्लीम्यूल होता है, और जो क्लोरिजा होता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये रेडिकल और रूट कैप को कवर करके रखता है, एक कवरिंग होती है, ओके। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल वो होता है जो कि एम्ब्रियोनिक रूट डेवलप करेगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने सारा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब हम सीड देखते हैं ओव्यूल से कैसे बनता है। तो ओव्यूल से सीड बनता है, और जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल का, वो सीड कोट बन जाता है, ठीक है। आपने सीड कोट देखा है? देख लीजिए। तो डाइकोटलेडन सीड्स में और मोनोकोटलेडन सीड में क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। तो डाइकोटलेडन में दो कोटलेडन होते हैं, ठीक है, सीड कोट होता है। तो दो सीड कोट होते हैं, टेस्टा और टैगमेन। टेस्टा आउटर लेयर होती है और थिक होती है, टैगमेन इनर लेयर होती है और थिन होती है। मोनोकोट पे आते हैं, मोनोकोट में एक कोटलेडन होता है जिसको हम स्क्यूटलम बोलते हैं। जो सीड कोट होता है वो पेरिकार्प से फ्यूज होता है। पेरिकार्प क्या होता है आगे हम देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। जो मोनोकटलेडन सीड होता है वो मैसिव होता है, स्टार्ची होता है, और इसके अंदर इंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बच ही जाता है। फ्रूट ओवरी से डेवलप करता है, वॉल ऑफ फ्रूट को हम पेरिकार्प बोलते हैं, और फ्रूट के अंदर भी कई ज्यादा पार्ट होते हैं, जैसे कि एक्सोकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, और फिर अंदर सीड रहता है, ठीक है। अब अलग अलग फ्रूट का हम अलग अलग चीज खा रहे होते हैं, जैसे कि हम जो मैंगो होता है उसका मीजोकार्प खा रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि हम मीजोकार्प सारे ही फ्रूट्स का खाते हैं, मीजोकार्प और एक्सोकार्प, इंडोकार्प हम सब खा सकते हैं, ओके। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो फ्रूट्स ओवरी से निकलते हैं, ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है, जैसे कि टोमेटो, ग्रेप्स, और फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो कि अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर से डेवलप होते हैं, जैसे कि एप्पल, स्वोलन थैलेमस पार्ट से ये डेवलप होता है, ठीक है। कैश्यू नट्स, ये सब फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स में आते हैं। अब पार्थिनोकार्पी क्या होती है और एपोमिक्सिस क्या होती है? तो पार्थिनोकार्पी एक ऐसा डेवलपमेंट है फ्रूट का जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी फ्रूट हमें मिल रहा है, जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल्स, सीडलेस ग्रेप्स, ये सभी पार्थिनोकार्पी के एग्जांपल हैं। एपोमिक्सिस क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, जहां पर सीड बनी जा रही है। पार्थिनोकार्पी में चलो फ्रूट्स बन गए, ठीक है, सीड नहीं बनी, कोई बात नहीं। एपोमिक्सिस में सीड बनी जा रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये कहां पर होता है? सिट्रस फ्रूट में होता है, जैसे कि आप ऑरेंज ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, ओके। तो समझ लीजिए एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का, जहां पर सीड बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होती है, सिट्रस फ्रूट में होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी वो फिनोमिना है जहां पर एक
सीड से कई ज्यादा एम्ब्रियो निकल सकते हैं। जैसे कि आप लेमन की अगर आप 5 से 6 सीड्स ले रहे हो और उसको लगा रहे हो ना, तो उसमें से तो उन सीड्स में से एक सीड ऐसी जरूर होगी जिसमें से सीड तो एक ही रहेगी लेकिन उनमें से 3-4 प्लांट्स निकले होंगे, मिनिमम तो 3 निकले ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उस सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो है। ऐसा तब होता है जब एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एग सेल हो या फिर जो मेल गैमेट है वो एग सेल के अलावा भी किसी और सेल को फ्यूज कर दे और वहां पर एम्ब्रियो बन जाए। सो यस, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज सब सर कर सर कर सर कर सर सर व्हाटएवर।